हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है जिस स्टॉक्स के लिए लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे आज लगभग लग तेरह से पंद्रह लाख लोग उसे खरीदने के लिए इच्छुक थे और लोग उसे लेने के लिए आ, उतावले हो रहे थे तो ऐसे स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वालों तो आपको बताना चाहता हूं कि वो स्टॉक्स दो महीने पहले मैं आपको दिखाऊंगा प्रूफ के साथ दो महीने पहले आपको बताया था और तब उस स्टॉक्स का प्राइस 220 और दो सौ रुपए की इर्द गिर्द घूम रहा था और जब मैंने खरीदा था उसके बाद वो ये गिर रहा भी था लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे और मैंने उनसे कहा भी था कि आ, कुछ चीजें देख ही नहीं जाती कुछ चीज समझी जाती है उसके बेस पे यहाँ पर चीजें ली जाती है तो उसी स्टॉक से रिलेटिव बातें करेंगे और जानेंगे वो कौन सा स्टॉक्स था और आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है नहीं तो उससे रिलेटेड बातें करेंगे पांच परसेंट आज शेयर भागता हुआ दिखाई दिया मार्केट में सारे स्टॉक्स गिरे हुए थे बट वो पांच परसेंट पे खड़ा हुआ था तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं बट बिफोर द वीडियो पे आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ और लाइक करना तो इस वीडियो को भूलिए मत और बाकी सभी वीडियो को लाइक जरूर किया करें क्योंकि लाइक करने से आगे वीडियो फॉरवर्ड की जाती है यूट्यूब के थ्रू और

ये स्टॉक्स है यहाँ पर जाके देख लीजिए प्ले है आपके लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है बाकी ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट नहीं है क्लिक करें फ्री में आपका जिस स्टॉक से रिलेटेड बातें कर रहे हैं है, इस बार के रिजल्ट है लास्ट ईयर के, ये के रिजल्ट है टोटल इनकम की एक लाख दो हजार छह सौ तेरह इससे पहले ट्वेंटी रुपीज का यहाँ पर ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव फिफ्टी एट इन रुपीज का यहाँ पर इनकम हुई मतलब अगर बात करें ईयरली बेसिस पे तो तीन गुने से ज्यादा यहाँ पर इनकम होती हुई नजर आई है इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर

यहाँ पर पेश कर रही है। यहाँ पर बात करें प्रॉफिट का तो इस बार का प्रॉफिट कितना है? तो देख लीजिए टैक्स काटने के बाद 14,692 लक्सिन रुपीस का प्रॉफिट है। इससे पहले 6,969 लक्सिन रुपीस का था और इससे पहले 39,120 लक्सिन रुपीस के यहाँ पर कंपनी घाटे में थी। तो कंपनी घाटे से प्रॉफिट में आई है और क्वार्टरली बेसिस पे मतलब क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे परफॉर्मेंस कंपनी ने लाजवाब दिया है और क्वार्टरली बेसिस पे बात की जाए तो कंपनी ने अपने पैसों को दोगुना कर दिया प्रॉफिट को तो ये सारी चीजें बताती है कि आप जिस कंपनी में बैठे हुए हो जो कि हमने यहाँ पर ही बताया था कि आपके स्टॉक्स गिर रहे हैं बट आपने स्टॉक्स कैसे चूज करे वो आपके ऊपर डिपेंड है तो उसके लिए यहाँ पर ये वीडियो देखनी है आपको पता चल जाएगा तो उसी बेस पर हमने ये ये स्टॉक्स को चूज किया था कुछ स्ट्रेटेजी के ऊपर और आज की डेट में हमें मल्टी रिटर्न आज की डेट में भी

नंबर भी इसी तरीके से है तो यहां पर जो हम देख लेते हैं पहले

न्यू यूट्यूबर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये शेयर आपको क्यों बताया गया था और इसी तरीके से यहाँ पर इसके रिजल्ट्स पहले भी बताए गए थे तो आज रिजल्ट आए हैं रिजल्ट यहाँ पर बेमिसाल है और आगे का यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी कहाँ जा सकती है सबसे पहले हम यहाँ पर इस इससे कंपनी से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव देखेंगे कि कंपनी करती क्या है तो यहाँ पर कंपनी हेल्थ केयर का सेकंड लार्जेस्ट हेल्थ केयर चेन है इन इंडिया में रेवेन्यू विद नेटवर्क ऑफ सेवनटीन हेल्थ केयर फैसिलिटी

डेट फ्री कंपनी है आरओसी यहां पर कुछ खास नहीं है बट कंपनी परफॉर्मेंस करके दिखा रही है प्लेजिंग की बात करें कोई शेयर यहां पर प्लेज नहीं है इसके अलावा हम बात करते हैं और भी कुछ चीजों की तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट यहाँ पर रिजल्ट कंपनी कंसिस्टेंसी के साथ रिजल्ट दिखा रही है और इस बार के जो रिजल्ट है हाईएस्ट एवर रिजल्ट है इसी बेस पे हमने यहाँ पर वीडियो बनाते हैं इसी बेस पे हम बताते हैं कि शेयर कम किस तरीके से कंपनी घाटे से प्रॉफिट में आ गई थी और इस बार के प्रॉफिट हाईस्ट एवर प्रॉफिट है, है। यहाँ पर क्वार्टरली बेस पे ईयरली बेसिस पे बात करें कंपनी ने पांच साल में अपने आप को दुगना कर लिया है ओके सेल्स के मामले में यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें इक्कीस करोड़ का प्रॉफिट दो करोड़ के प्रॉफिट में चेंज हो गया है और नेट प्रॉफिट की बात करें 38 करोड़ करोड़ तो करोड़ करोड़ रुपए का 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 पर पर घाटा घाटा था था प्रॉफिट प्रॉफिट है तो है है और लास्ट ईयर तो तो अब क्या बताती कंपनी कंपनी की कम्पनी में आपको रहना है या नहीं रहना है तो इसी बेस पे हम बात करें रिजर्व की तो आज की डेट में लोग आया हमने वहां पर खरीदा रिजर्व की बात करें तो चार करोड़ के यहाँ पर रिजर्व है बोरइंग की बात करें यहाँ पर चार करोड़ रुपए की यहाँ पर बोरइंग है जो की कम होती हुई नजर आई है लगभग हाफ से भी ज्यादा यहाँ पर बात करें फिक्स एसेट यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे तो बता रही है कंपनी कि कंपनी अपने आप को किस तरीके से एक्सपेंड कर रही है वर्किंग प्रोग्रेस में एट करोड़ रुपीज है इन्वेस्टमेंट तेईस करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है कैश की बात करें छे करोड़ रुपए का छह करोड़ का कैश रखा हुआ है इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर कुछ और चीजों की तो कंपनी के पास दो करोड़ रुपए का जो भी पैसा आता है इनकी बुक में दिखाई देता है आरओ सी ही फोर परसेंट की है नो डाउट बट कम है बट अगर बात करें प्रोमोटर्स की होल्डिंग तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर देखिए सेवेंटी पॉइंट फोर सिक्स परसेंट की यहाँ पर होल्डिंग है इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इन लोगों के पास होल्डिंग है एफ की बात करें एफ ने यहाँ पर हिस्सेदारी अपनी थोड़ी सी कम करती हुई नजर आई है बट फिर भी 14 की हिस्सेदारी है जो इन्होंने बेची आईज ने DIs ने यहाँ पर खरीद ली लपकली ही और पब्लिक की बात करें पब्लिक के आज सेवन परसेंट की हिस्सेदारी दिख रही है बट सेवन में से वन पॉइंट की हिस्सेदारी छह परसेंट की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है और इसमें ऑपरेटर एंड ऑल सारे के सारे यहां पर एक्टिव है तो अगर हम यहाँ पर चार्ट

कंपनी में ऐड करने के अलावा आपके पास निकालने का कोई चारा नहीं है ऐसी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो से निकालो मत जब तक कि यहाँ पर कंपनी अपने आपको नेगेटिव प्रूव ना कर दे मतलब कंपनी अपने आपके घाटे के रिजल्ट पेश ना कर दे तब तक यहाँ पर कंपनी को यहाँ पर निकालना नहीं है बट जब तक पॉजिटिव यहाँ पर दिखा रहा है और जब तक यहाँ पर चार्ट पैटर्न पॉजिटिव है तब तक केवल रैली को एंजॉय करना है बल्कि यहाँ पर हर एक डिप्स पर यहाँ पर आपको बाई करना है अगर यहाँ पर शेयर आपको दस बीस तीस रुपए टूटता हुआ मिलता है तो यहाँ पर उठाने इस शेयर को उठाने से चुके क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी फिर दोबारा नहीं मिलेगी आज की डेट में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी ऊपर गया था शेयर, उसके बाद नीचे आता हुआ दिखाई दिया जिसने खरीदा उसने खरीदा और जिसने नहीं खरीदा वो कल दोबारा यहाँ पर जब ये भागेगा तब यहाँ पर आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से आपको देखना है बाकी यहाँ पर फिफ्टी डी के आसपास जब भी यहाँ पर सपोर्ट में एक शेयर मिले आपको तो इसकी तरफ ध्यान रखिएगा जब बाज की नज़र रखिएगा इस तुरंत उठाइएगा और अगले रिजल्ट से पहले ये शेयर अभी तीन के आसपास चल रहा है साढ़े तीन सौ चार सौ तक जाता हुआ दिखाई देगा तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं तो इस वीडियो से ही है जी वीडियो में जब मैंने बनाया था तब लोगों ने यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया था तब बोल रहे थे कि किस बेस पे यहाँ पर स्टॉक्स को लिया गया है ओके कुछ भी इसमें बात नहीं है बट अगर बात करें उसके बाद दो सौ बाईस रुपए के आसपास हमने ये शेयर लिया था उसके बाद एक मुफ्त रैली है और आगे भी रैली ऐसी कंटिन्यू रहेगी तो आइए वीडियो को यहाँ पर क्लोज करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और दूसरे लोगों के साथ जरूर शेयर करें और सीखे की कि किस तरीके से आप स्टॉक्स को चूज कर सकते हैं सो तो सर थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस